दोस्तों फ्लिपकार्ट का पे लेटर क्या होता है भाई? इसका भाई मुझे बेनिफिट मिल रहा है और मैं फ्लिपकार्ट का पे लेटर एक्टिवेट भी हो जाए और मुझे कुछ लिमिटेड भी दी गई है जहाँ से मैं शॉपिंग फ्री में कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा ही अकाउंट है। तो भाई यहाँ से फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखो यार, काफ़ी सारे लोगों को भाई होता है कि अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं और आप चाहते हो कि मुझे शॉपिंग करना है, मेरे पास इस वक्त मैं कुछ दिन बाद इसको पैड कर दूँगा फ्लिपकार्ट को, तो भाई फ्लिपकार्ट एक तरीके से आपको लोन देता है। ये लोन आपके एक्टिविटी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से होता है, आपने कितना ऑर्डर किया हुआ अब तक। तो भाई आपको 5,000 भी दे सकते हैं, 3,000 भी दे सकता है शुरू में, 10,000 12,000 भी आपको दे सकते हैं एक बार में एक साथ, ठीक है? फ्लिपकार्ट लोन दे सकते हैं पे लेटर पर, सीधी सी बात है। तो भाई यहाँ पर बेनिफिट आपका यही है कि अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं, ठीक है, आपके पास आज पैसे नहीं है तो आप लोग करके सकते हो कि भाई आप फ्लिपकार्ट का पे लेटर इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो फ्री पर, आपको एक रुपये भी नहीं देना पड़ेगा फ्लिपकार्ट को, ठीक है? और आप फिर बाद में उसको पैसे को आपको पैड भी करना पड़ता है। तो भाई इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, उसका देखना तो भाई आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो भाई ये आप कर सकते हो। अब भाई इसके ज़्यादा फ़ायदे और क्या हो सकते हैं? तो भाई मुझे फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा कुछ लगा नहीं यार। और अगर आप लोग भाई इसको पैसे को पैड नहीं कर पाते हो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप पैसे को पेड नहीं कर पाते शॉपिंग कर लेते हो तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, कुछ चार्जेस भी आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट इस पर चार्जेस भी लगाने वाला है। हो सकता है कि लगा दिया हो, ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हो आप लोग, तो भाई ये हो सकता है। तो भाई आप लोग का यही फायदा है अगर भाई, और भाई भाई एक्टिवेट करने के लिए भाई कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपका आधार और पैन नंबर चाहिए और आपका मोबाइल नंबर एक जीमेल आईडी, आप ये लगाकर भाई अपना अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद आप शॉपिंग कुछ भी ले सकते हो, आपके पे लेटर से पैसे कटेगा, जितने का चाहो उतने का ले सकते हो आप, लेकिन पैसे को आपको फिर बाद में बैठ करना पड़ता है। यही फ्लिपकार्ट पे लेटर का फायदा है। अब भाई सबको नहीं मिलता, कुछ लोग को मिला है। अगर आपका अकाउंट 1-2 साल पुराना है और आप शॉपिंग करते आ रहे हो तो हो सकता है कि भाई आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिला हो और आपको ये इसका बेनिफिट आपको आगे चल के और भी मिलेगा, और भी लिमिट इसकी बढ़ सकती है। अगर आप शॉपिंग करते रहोगे, पैसे पेड करते रहोगे भाई, तो आपको आपकी जो लिमिट होगी वो भी बढ़ती रहेगी। तो यही फ़ायदा है फ्लिपकार्ट का। बाकी भाई घाटे यही है कि अगर आप लोग पैड नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, यही घाटा है। और मेरे साथ हो चुका है, मेरे पास नहीं हो पाया था तो भाई मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज लगे थे, और यही फ़ायदा, और कुछ फ़ायदा है नहीं ज़्यादा। कैशबैक आपको मिलता है नहीं है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ, बाकी आप लोगों को सेल वगैरह में कुछ मिलेगा डिस्काउंट, बाकी ज़्यादा नहीं मिलता है। और आई होप आपको समझ में आ गया। भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग आगे भी और भी लाता रहेगा, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अमेज़न फ्लिपकार्ट की वीडियो ज़्यादा आती है क्योंकि मुझे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।